नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए 16 बड़े भर्तियां हैं। ये 16ों के 16 भर्ती ये डायरेक्ट भर्ती हैं। इसमें ना कोई एग्जाम देना है, ना कोई एप्लीकेशन फी है। ये डायरेक्ट भर्ती हैं और 16 वैकेंसी हैं। और सबसे खास बात, इसमें जेसीओ ऑफिसर और ओआर एनसीओ सब के लिए वैकेंसी है। और एक खास बात क्या है, ये पूरे इंडिया से वैकेंसी आया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे वैकेंसी के बारे में, कहां कहां का वैकेंसी है, क्या क्या है, पूरे डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं जॉब से रिलेटेड या वेलफेयर से रिलेटेड या न्यूज से रिलेटेड, कोई भी अपडेट जो कि पूर्व सैनिक और सर्विंग सोल्जर से रिलेटेड हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं और आगाज करते हैं जिन 16 वैकेंसी को, 16 बड़ी भर्तियों को, और चेक करते हैं एक एक करके। तो आइए जानते हैं वैकेंसी। तो ये जो वैकेंसी है, ये AWPO की वैकेंसी है और यह जनवरी 2023 की बड़ी भर्तियां हैं। टोटल 16 वैकेंसीज हैं। स्टार्ट करते हैं ऑफिसर्स की वैकेंसी से। ऑफिसर्स के लिए 5 बड़े वैकेंसी हैं, जिसमें एडमिन HR का वैकेंसी है। कहां के लिए? जनरल मीन्स लिमिटेड। ये कहां है? ये गंगानगर के लिए है। इसमें सैलरी 12 लाख पर एनुअम है। एक चीज खास बात है, इस बार का जो भी अपडेट आया है, ये पर एनुअम के हिसाब से, यानी सालाना इसमें जो सैलरी रहेगा, सालाना के हिसाब से दिया हुआ है। देखने में काफी अच्छा लगता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट देव सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये मोरबी में है। ये भी, ये जो मोरबी है, ये गुजरात में पड़ेगा। और ये रिसेंटली ये जो घटना हुआ था वो आप जानते होंगे मोरबी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर। ये MBBS रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए है। ट्राइची AWPO त्रिवेंद्रम से वैकेंसी आया है। नेक्स्ट है एडमिन हेड कार्किनोज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई लोकेशन के लिए है। AWPO पुणे से वैकेंसी आया है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल मैनेजर एस मार्क इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अहमदाबाद से जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन वो है अहमदाबाद, और वैकेंसी जो आया है वो भी AWPO अहमदाबाद से ही आया है। अब चलते हैं अगले सेक्शन, जो कि JCOs के लिए है। अब देखते हैं JCOs के लिए क्या क्या वैकेंसी है, क्या खास है। जो सबसे पहला है JCOs के लिए वो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, जो कि 2 वैकेंसी है। कंपनी का नाम है झबुआ पावर प्लांट। और ये जो झबुआ पावर प्लांट की वैकेंसी है, काफी दिनों से आ रहा है। और क्या कारण है इसमें कि ये इनका सैलरी अभी तक फिल नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ रिटायर्ड JCO इसमें चाहिए अप टू 54 ईयर्स, सेप 1 चाहिए, एग्जेम्पलरी चाहिए, आउट ऑफ MP भी चाहिए। ये है इनका QR है। उसके बाद सैलरी देखिए 3.50 लाख पर एनुअम, वो भी 12 घंटे और 300 दिन के लिए है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये वजह है, इस वजह से ये वैकेंसी इनका फिल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, 3 वैकेंसी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए। अब ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। ये PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स की कंपनी है, ये बनाती है। और इसके टोटल 3 प्लांट्स हैं, या 3 फैक्ट्रीज जिसे बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में 2 है और 1 है गुजरात में। महाराष्ट्र में कहां कहां है? रत्नागिरी और उर्से में है। और यहां जो वैकेंसी है वह रत्नागिरी वाले जो फैक्ट्री है, रत्नागिरी वाला जो प्लांट है उसके लिए है। इसमें 3 वैकेंसी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का, 3 वैकेंसी। इसमें रिटायर्ड JCO अप टू 52 ईयर्स चाहिए। देखिए ये वैकेंसी बहुत प्रीमियम वैकेंसी है और बेहतरीन वैकेंसी के दौर में आता है। सैलरी देखिए इसमें भी ठीक ठाक है, 4.2 लाख पर एनुअम। ये वैकेंसी आया है AWPO पूना से। अब चेक करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। अच्छा, इसके बारे में और एक क्या है, ये जो प्लांट है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का, ये बहुत बड़ा प्लांट है, 650 एकड़ का प्लांट है यहाँ, ये जो रत्नागिरी वाला। बेहतरीन इसमें फैसिलिटीज मिलता है, तो अगर मौका मिलता है तो अगर एक्स JCOs हैं तो पक्का इसमें ज्वाइन करें। नेक्स्ट है CCTV सर्वेलेंस, 2 वैकेंसी है इसके लिए। अब ये कहां के लिए है? कोचिंग इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद। देखिए औरंगाबाद 2 है, 1 है बिहार में और 1 है महाराष्ट्र में। तो ये जो औरंगाबाद है, ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है। इसमें रिटायर्ड JCO चाहिए,
एज का रेंज भी दिया हुआ है 44 से 55 के बीच में, बहुत बेहतरीन है इसमें, कम से कम ये पता चलेगा कि किस रेंज में इनको चाहिए। उसके बाद 3 लाख पर एनुअल सैलरी है, रहने खाने का फ्री व्यवस्था है, ये एक अच्छा वैकेंसी है और ये वैकेंसी आया है AWPO चंडीगढ़ से। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं JCOs के लिए, वो है असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स। अब ये रियल एस्टेट की कंपनी है माउंट कैलाश प्रॉपर्टीज, इसमें इनको JCO चाहिए जो एक्सपर्टीज हो सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जिसका एक्सपर्टीज या जिनका एक्सपीरियंस हो पहले से कंस्ट्रक्शन कंपनी में, अगर काम अगर किए हुए हो तो उनको इसमें प्रायोरिटी मिलेगा। चेन्नई से जो जॉब लोकेशन होगा चेन्नई कोयम्बटूर, और इसमें सैलरी देखिए बेहतरीन सैलरी है, 7 लाख पर एनुअल इसका सैलरी है और वैकेंसी भी आया है AWPO चेन्नई से। अब देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी JCO के लिए, वो है BDM टेरिटोरी मैनेजर, दो वैकेंसी है, एजू असेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें रिटायर्ड JCO चाहिए, जॉब लोकेशन चेन्नई का ही है, 3.60 लाख पर एनुअल इसमें सैलरी है, वैकेंसी आया है AWPO चेन्नई से। अब देखते हैं NCOs और जवानों के लिए वैकेंसी, क्या क्या वैकेंसी है ये देखते हैं। इसमें टोटल 6 वैकेंसी है इनके लिए और एक एक करके जाते हैं। सबसे पहला आया है सिक्योरिटी गार्ड का, ये 30 वैकेंसी है इसमें, NTPC प्लांट एंड टाउनशिप के लिए। ये NTPC क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी इसमें ये जो प्लांट है इनके प्लांट में भी वैकेंसी है और टाउनशिप में भी, जहां फैमिली जो क्वार्टर्स होते हैं वहां के लिए वैकेंसी है। एक सर्विसमैन चाहिए इनको, 62 साल तक ये रख रहे हैं एक सर्विसमैन, अप टू 62 ईयर्स, ये एक अच्छा चीज रहा। सेफ पेन चाहिए एक्सेप्ट फ्रॉम रीवा एंड सतना, यानी ये दो एरिया को छोड़ के बाकी एरिया के इनको मंजूर है, यानी इनको लोकल आदमी नहीं चाहिए, लोकल पुरुष सैनिक इनको नहीं चाहिए रीवा और सतना के। ये खड़गोन मध्य प्रदेश का लोकेशन है। अब सैलरी देखते हैं 2.37 लाख पर एनुअल, 8 घंटा 30 दिन की ड्यूटी है, ये ध्यान रखेंगे 8 घंटा 30 दिन। वैकेंसी कहां से आया है, वैकेंसी आया है AWPO जबलपुर, ज्यादा जानकारी AWPO जबलपुर से पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें क्या रहने का व्यवस्था है, खाने पीने के लिए एकोमोडेशन के लिए क्या है, बाकी सब चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 दिनों का है, अगर 26 दिनों का रहता तो अलग बात था। नेक्स्ट है एजेंसी मैनेजर, 16 वैकेंसीज है, ये 16 वैकेंसी किसमें है, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है। अब ये जो बजाज एलियांज कंपनी है ये लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करती है और ये लगभग इसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में लगभग हर शहर में इसकी ब्रांच मिल जाएगी। ये एक सर्विसमैन चाहिए, जॉब लोकेशन पूना के लिए है और एजेंसी मैनेजर है, 3 लाख पर एनुअल इसमें सैलरी है, AWPO पुणे से वैकेंसी आया है। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं टेक्नीशियन स्मॉल आर्म्स, इसमें 10 वैकेंसी चाहिए, ये इसमें 10 वैकेंसी है और ये कंपनी का नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो है ये क्या करती है, ये असॉल्ट राइफल्स मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट है और ये कहां है, ये है कोरवा अमेठी में और जहां की AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण होना है, जहां से प्रोडक्टिविटी होनी है, जहां से प्रोडक्शन होना है। अब ये जो वैकेंसी आया है ये पूर्व सैनिकों के लिए है बिलो 50 ईयर्स, एज 3.60 लाख पर एनुअल इसमें सैलरी रखा गया है, वो भी नेगोशिएबल है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। AWPO लखनऊ से है, इच्छुक पूर्व सैनिक अगर इस कैटेगरी के हैं, अगर आर्मोरर या इस टाइप के हैं टेक्निकल, तो वो इसके लिए बात कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है रेलवे गेटमैन का, 350 वैकेंसी है, 350 प्रभात भट्ट सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से आया है, एक सर्विसमैन अप टू 54 ईयर्स ऑफ एज, SEP-1 SEP-2 इसमें पूर्व सैनिक इसके लिए आ सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। अभी इसमें अप्लाई कुछ नहीं करना है, फोन से बात करके वहां जस्ट इंटरव्यू होगा और ज्वाइन करना है। ये ऑल महाराष्ट्र के लिए है और आया है वैकेंसी AWPO जलंधर से, यहाँ नंबर लिया हुआ है, लिखा हुआ है। इसके अलावा जो सैलरी यहाँ है 3.94 लाख पर एनुअल का सैलरी रखा गया। नेक्स्ट है MTS ऑब्लिक पेट्रोलिंग स्टाफ, 36 वैकेंसी है, ये किसके लिए है, DFCCIL, ये क्या है DFCCIL, इसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
ये चार महानगरों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे DFCCIL बोलते हैं। और इसमें जो वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए, इसमें एज लिमिट है 55 इयर्स, 36 वैकेंसी है इसमें। और ये पालनपुर से मेहसाणा के बीच का ये जो लाइन है, इसमें इसी लाइन के बीच में ये ड्यूटी मिलेगा, पालनपुरम मेहसाणा। इसमें सैलरी जो है 3.96 लाख पर एनुअम CTC। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, और ये जो कॉस्ट टू कंपनी है इसमें 3.96 लाख में ये सब इंक्लूड है, PF बाकी जो भी अलाउंसेस है वो सब इसमें इंक्लूड है। अब जो नेट पेमेंट मिलेगा, सैलरी जो अकाउंट में मिलेगा वो इससे कम होगा, जो इसमें दिखाया जा रहा है इससे कम होगा, ये ध्यान में रखेंगे। सबसे अंतिम वैकेंसी जो है वो है सुपरवाइजर ऑब्लिक मैनेजर का, ऑपरेशंस ब्रांच में होगा, और इसमें दो वैकेंसी है। कंपनी का नाम है कनेक्ट एंटरप्राइजेस, इसमें पूर्व सैनिक 50 साल तक के चाहिए। जॉब लोकेशन है हैदराबाद का। इसमें QR रखा गया है कि तेलुगु स्पीकिंग चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अब इसमें सैलरी कितना है, 3.60 लाख पर एनुअम, AWPO सिकंदराबाद से वैकेंसी आया है। अब देखिए इसमें जितने वैकेंसीज कवर हुआ है, इसके अलावा काफी ऐसे वैकेंसीज हैं जो आपके नजदीकी AWPO में अभी रन कर रहे हैं और हो सकता है आपको पता ना हो। इसके लिए आप अपने नजदीकी AWPO से संपर्क करें, हो सकता है इसमें कवर ना कर रहा हो और आपके AWPO लोकल AWPO में वो वैकेंसी अभी हो। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप अपने, अगर इसमें कवर नहीं हुआ है और आप चाह रहे हैं कि मैं अपने लोकल AWPO का कवर नहीं हो पाया, तो कृपया करके अपने लोकल AWPO से संपर्क में रहें, लगातार उसमें विजिट पे रहें, लगातार बीच बीच में जाते रहें और नया अपडेट वहां से प्राप्त करते रहें। इसके अलावा जो और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो भर्ती से संबंधित, ये तो थी डायरेक्ट वैकेंसीज। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं या पूर्व सैनिक हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना है, तो अभी फिलहाल इस टाइप के जॉब्स को करते हुए अपना तैयारी कर सकते हैं। या अगर फुल टाइम तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसका अलग से महीने वाइज अपडेट आते रहता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा उसका लिंक दिया हुआ है। वहां पे महीना में पार्ट बाय पार्ट करके उसमें वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी आता है, और इसके अलावा बाकी जो डिटेल्स उसमें पूरे गवर्नमेंट जॉब्स, बाकी प्राइवेट जॉब्स, सिक्योरिटी जॉब्स, ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड वेलफेयर का अपडेट्स मिलते रहता है। तो कृपया नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से चैनल पे ज्वाइन करें और इससे लाभान्वित हुए। तो ये था वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए, बंपर वैकेंसी, डायरेक्ट वैकेंसी था और 16 बड़े भर्ती थी जो कि बिना परीक्षा और बिना किसी एग्जाम के और बिना किसी एप्लीकेशन फी के थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।